गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सर? होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नेम माय फैमिली, लेक्चर नंबर 3। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास आई विल डिस्कस अबाउट योर होमवर्क व्हिच आई हैड असाइंड यू इन लास्ट क्लास। आई होप यू ऑल हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। सो लेट्स डिस्कस अबाउट योर होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क सॉल्यूशन। टेक द करेक्ट आंसर, यानी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपको वो टेक करना था। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, आज मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस की है होमवर्क को करने में, तो आप उसको सॉल्यूशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आप अपना भी चेक करते रहिए, आपने ठीक ऐसे ही किया है क्या। नंबर 1, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर मेक ए डैश। यहां मैंने ब्लैंक छोड़ा था जिसमें आपको एक करेक्ट आंसर फिल करना था, उसको टिक करना था और उसको फिल करना था। तो ए फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई फैमिली, बी एच ओ यू एस ई हाउस, सी एस सी एच डबल ओ एल स्कूल। यहां पर 3 ऑप्शन है, ए बी एंड सी। फादर यानी आपके पापा, मदर की मम्मा, ब्रदर आपका भाई एंड सिस्टर और आपकी बहन। मेक ए क्या बनाते हैं, मेक ए। अब करेक्ट ऑप्शन बताओ, फैमिली, हाउस या स्कूल, विच वन इज करेक्ट। कैसे करना है आपको, लाइक दिस। फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई फैमिली, फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर मेक ए फैमिली। क्या बन जाती है, सब फैमिली बन जाती है जब सब रहते हैं, आपकी मम्मा, आपके पापा, आपका भाई और आपकी बहन, सब मिलके क्या बनाते हैं, मेक ए फैमिली। फैमिली मीन्स परिवार, लोग रहते हैं ना आपके घर में, मेंबर होते हैं, मम्मा, पापा, भाई, बहन, तो ये सब क्या बनाते हैं एक साथ, मेक ए फैमिली यानी एक परिवार। नेक्स्ट नंबर 2, फादर एंड मदर टुगेदर आर कॉल्ड, फादर आपके पापा एंड और मदर आपकी मम्मा टुगेदर साथ में आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं। ए फिर यहां पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए आंट, बी अंकल, सी पेरेंट्स। मम्मी और पापा एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं, आंटी कहलाते हैं, अंकल कहलाते हैं या फिर पेरेंट्स कहलाते हैं, विच वन इज करेक्ट। पेरेंट्स, पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स, यानी माता पिता आपके पेरेंट्स होते हैं ना, मम्मा और पापा। फादर एंड मदर टुगेदर आर कॉल्ड पेरेंट्स, मम्मी और पापा साथ मिलकर क्या कहलाते हैं, पेरेंट्स यानी आपके माता पिता। पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स। नेक्स्ट इज पेरेंट्स, पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स, ओ एफ ऑफ वाई ओ यू आर योर पेरेंट्स आर कॉल्ड, यानी पेरेंट्स आपके मम्मी पापा, ऑफ योर पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा के पेरेंट्स आर कॉल्ड कहलाते हैं
यानी जो आपके पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स, आपके पापा के पापा आर कॉल्ड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? फिर थ्री ऑप्शंस दिए गए हैं, नंबर ए ग्रैंड पेरेंट्स, बी अंकल्स, सी नन ऑफ दीज। ग्रैंड पेरेंट्स यानी आपके दादा दादी, अंकल्स आपके जो चाचा ताऊ होते हैं, सी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, ए या बी या फिर सी? आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स आपके क्या कहलाते हैं? आंसर इज ग्रैंड पेरेंट्स, जी आर ए एन डी ग्रैंड, पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स यानी आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा के जो पापा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनके क्या कहलाते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स यानी पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट्स आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स। आपके जो पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं यानी आपके दादा दादी। देखो ना, आपके जो पापा होते हैं उनके पापा होते हैं तो आप उनको दादाजी बोलते हो ना, तो ठीक वैसे ही आपको इसमें से भी यही ऑप्शन चूज करना था, पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट्स आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहां मैं आपको कुछ पॉइंट्स टीच करूंगी जो आपको मेरे साथ साथ रीड करने। पेरेंट्स यानी आपके मम्मी पापा एंड चिल्ड्रन यानी बच्चे टुगेदर मेक ए फैमिली। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टुगेदर मेक ए फैमिली यानी आपके मम्मी पापा एंड चिल्ड्रन बच्चे टुगेदर साथ में मिलकर मेक ए फैमिली क्या बन जाता है? एक परिवार बन जाता है। जब पेरेंट्स और बच्चे मिलकर एक परिवार बनाते हैं, फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार, मेक मीन्स बनाना। पेरेंट्स आपके पेरेंट्स एंड और चिल्ड्रन यानी बच्चे टुगेदर साथ में मेक बनाना एक फैमिली परिवार यानी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टुगेदर मेक ए फैमिली यानी माता पिता और बच्चे मिलकर एक परिवार बनाते हैं। आपकी फैमिली होती है ना, उसमें आपके मम्मी पापा और आप लोग होते हैं जो आपके सिबलिंग होते हैं, तो उनसे क्या बन जाता है, सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई फैमिली। वी ऑल आर पार्ट ऑफ ए फैमिली, वी मीन्स हम, ऑल सभी, आर है पार्ट, पी आर टी पार्ट हिस्सा, ऑफ ए फैमिली, हम सभी एक परिवार का हिस्सा है। वी मीन्स हम, ऑल सभी, आर है पार्ट हिस्सा ऑफ ए फैमिली एक परिवार का, हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं। वी ऑल आर पार्ट ऑफ ए फैमिली। ए स्मॉल फैमिली हैज पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर। ए मीन्स एक, स्मॉल छोटी, फैमिली परिवार, हैज पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर। पेरेंट्स जो आपके मम्मी पापा हैं, ब्रदर आपका भाई एंड सिस्टर आपकी बहन। स्मॉल फैमिली में कौन कौन मेंबर होते हैं? आपके पेरेंट्स होते हैं, आपका भाई होता है, आपकी बहन होती है, किसी के दो भाई होते हैं तो वो भाई भी होते हैं, किसी की बहनें होती हैं तो बहन भी होती है, और कोई बच्चा सिंगल भी होता है। तो ए स्मॉल फैमिली हैज पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर। एक स्मॉल फैमिली में मम्मी पापा, भाई और बहन होते हैं, तभी तो वो स्मॉल फैमिली होती है, क्योंकि उसके उसमें
कम मेंबर होते हैं, कम लोग होते हैं। ए बिग फैमिली, बिग फैमिली मीन्स बड़ा परिवार, बिग फैमिली बड़ा परिवार, स्मॉल फैमिली छोटा परिवार। ए बिग फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंटीज एंड देयर चिल्ड्रन। ए बिग फैमिली यानी एक बड़ा परिवार, कौन कौन होते बड़ी बड़े परिवार में? एक बड़े परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स यानी आपके दादाजी, पेरेंट्स आपके मम्मी पापा, अंकल्स आपके चाचा ताऊ, आंटीज आपकी चाची जी, ताई जी, जो भी आपकी फैमिली में होते हैं, एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे। ए बिग फैमिली हैज, एक बिग फैमिली में दादाजी, दादी जी आपकी, आपके मम्मी पापा, अंकल आंटी एंड देयर चिल्ड्रन और उनके बच्चे होते हैं, यानी बहुत सारे मेंबर होते हैं, तभी तो बिग फैमिली होती है। और जिस फैमिली में कम मेंबर होते हैं वो स्मॉल फैमिली होती है, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी सब एक साथ मिलकर एक ही घर में रहते हैं, तो वो फैमिली बिग फैमिली होती है। व्हेन वी लिव टुगेदर विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आंटीज, अंकल एंड देयर चिल्ड्रन इन द सेम हाउस, यानी एक ही घर में रहते हैं, इट इज कॉल्ड ए बिग फैमिली, वो एक बिग फैमिली कहलाती है। जो साथ एक ही घर में सब इकट्ठे साथ मिलकर रहते हैं तो वो हमारी बिग फैमिली होती है, यानी बड़ा परिवार। नाउ न्यू वर्ड्स एंड स्पेलिंग, यू शुड लर्न द न्यू वर्ड स्पेलिंग। नाउ पेरेंट्स, पी ए आर ई एन टी एस, पेरेंट्स यानी आपके मम्मी पापा। फैमिली एफ ए एम आई एल वाई, फैमिली यानी परिवार, फैमिली मीन्स परिवार। टूगेदर टी ओ जी ई टी एच ई आर, टूगेदर यानी साथ में, इकट्ठे होते हैं ना, टूगेदर मीन्स साथ में, इकट्ठा। नेक्स्ट ग्रैंड मदर, जी आर ए एन डी ग्रैंड, एम ओ टी एच ई आर मदर, ग्रैंड मदर। पेरेंट्स आपके मम्मी पापा, पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा। फैमिली परिवार, टूगेदर साथ में। ग्रैंड मदर आपकी दादी जी। ग्रैंडफादर, जी आर ए एन डी ग्रैंड, एफ ए टी एच ई आर फादर, ग्रैंडफादर मीन आपके दादाजी, ग्रैंडफादर दादाजी। फादर एफ ए टी एच ई आर फादर, नी आपके पापा। सिस्टर एस आई एस टी ई आर सिस्टर, यानी आपकी बहन। ब्रदर बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर, यानी आपका भाई। ग्रैंडफादर आपके दादाजी, फादर आपके पापा, सिस्टर आपकी बहन, ब्रदर आपका भाई। नेक्स्ट मदर, एम ओ टी एच ई आर मदर, यानी आपकी मम्मी, आपकी मम्मा होती है ना मदर, एम ओ टी एच ई आर मदर। अंकल यू एन सी एल ई अंकल, यानी आपके चाचा जी, आपके चाचा होते हैं ना ताऊ जी, चाचा जी, अंकल। आंटी ए यू एन टी आंट, यानी आपकी चाची, आपकी ताई जी भी हो सकती है, आपकी चाची भी होती है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, अंकल चाचा जी, आंटी आपकी चाची जी, मदर आपकी मम्मा। सो यू शुड लर्न द स्पेलिंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक, आपको ये लर्न करनी है और अपनी नोटबुक में भी लिखनी है। ओके okay?
देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, कितनी तरह की फैमिली होती है, टू टाइप्स फैमिली। यहां मैंने आपको टू टाइप्स फैमिली के बारे में बताया, यानी दो प्रकार की फैमिलीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज यानी दो प्रकार की फैमिली, कौन सी, वन बिग फैमिली एंड स्मॉल फैमिली। अभी आपको दो फैमिली बताया, जिस फैमिली में कम मेंबर होते हैं वो स्मॉल फैमिली होती है, जिसमें सिर्फ आपके मम्मी पापा और आप लोग रहते हैं, यानी बच्चे रहते हैं, वो स्मॉल फैमिली होती है, उसके मेंबर कम होते हैं। और जिस फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आपकी आंटी, अंकल और आपके जो भी कजिन होते हैं, वो सब इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं, तो वो आपकी बिग फैमिली होती है। नाउ स्मॉल फैमिली यानी छोटा परिवार। अब आप यहां पर देख रहे हैं, मम्मी पापा आप और आपकी बहन, ये इट मींस फोर मेंबर्स, तो ये एक स्मॉल फैमिली है यानी छोटा परिवार है। स्मॉल फैमिली मींस छोटा परिवार। व्हेन वी लिव विद आवर पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली। जब हम अपने मम्मी पापा भाई और बहन के साथ रहते हैं तो वो हमारा छोटा परिवार कहलाती है, यानी स्मॉल फैमिली कहलाती है। नेक्स्ट इज बिग फैमिली यानी बड़ा परिवार। स्मॉल फैमिली छोटा परिवार, बिग फैमिली बड़ा परिवार। आप देख रहे हैं उसमें तो फोर ही मेंबर थे स्मॉल फैमिली में, अब यहां देखो हाउ मेनी मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं, आप यहां पर काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हाउ मेनी मेंबर्स, 11। अब इसमें 11 मेंबर है तो ये हमारी बिग फैमिली है, यानी इसमें दादाजी, दादी जी, आपके मम्मी पापा, आपके कजिन, आपके आंटी अंकल, सब एक ही साथ मिलकर एक घर में रहते हैं, तो वो हमारी बिग फैमिली होती है। When we live with together with our grandparents, parents, aunties, uncles and their children in the same house, यानी when we live with together, जब हम साथ मिलकर अपने दादाजी, दादी जी, अपने मम्मी पापा, अंकल, आंटी और उनके बच्चों के साथ एक ही घर में रहते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, बिग फैमिली कहलाती है। व्हेन वी लिव विद टुगेदर विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आंटीज, अंकल एंड देयर चिल्ड्रन इन द सेम हाउस, इन द सेम हाउस इट कॉल्ड ए बिग फैमिली, वो हमारी क्या कहलाती है, बिग फैमिली। नाउ This is your homework. Color only the faces of those who live with you in this family tree. सिर्फ आपको उनके faces में color करना है जो आपके साथ रहते हैं, यानी आपकी फैमिली ट्रेन में बहुत सारे मेंबर्स हैं। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो आप जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, उन सबके फेसेस को कलर करोगे। अगर आप स्मॉल फैमिली में रहते हैं तो आप उनके जो आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन हैं, आप उसमें कलर करेंगे। ओके, कलर ओनली द फेसेस ऑफ दोज हु लिव विद यू इन दिस फैमिली ट्री, यानी आपके कौन कौन रहते हैं, अगर आप स्मॉल फैमिली में रहते हैं तो आप उनके फेसेस को कलर करेंगे। और आप क्रियोन्स कलर से करेंगे, बिल्कुल लाइट पेंसिल कलर से, क्रियोन्स या उससे ऑयली कलर नहीं करना है, ताकि उसका फेस भी बिल्कुल डार्क हो जाता है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल लाइट लाइट और एकदम लाइट, ताकि फेस भी नजर आता रहे, और बहुत सुंदर कलर करना है, बाहर भी नहीं निकालना है। ओके, Now, collect the photographs of your family members and make a collage. यानी आपको अपने
फैमिली की फोटोज कलेक्ट करनी है और उससे कोलाज बनाने हैं। जैसे आप एक ट्री भी बना सकते हो या कोई भी एक सर्कल बना के और नीचे अपने जिस ग्रैंड पेरेंट्स की लगा रहे हो तो ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी पापा की लगा रहे हैं, देन राइट डाउन पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। और फोटो बिल्कुल स्मॉल होनी चाहिए, एकदम छोटी छोटी फोटो, ताकि आपकी नोटबुक में पेस्ट हो जाए। बिग साइज में फोटो नहीं होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल छोटी सी फोटो लेंगे, बड़े साइज की फोटो नहीं लगानी है। ओके, द फैमिली ट्रेन होमवर्क इज टू बी डन इन द बुक, यानी जो फैमिली ट्रेन का आपका वर्क है ये आपको सिर्फ अपनी बुक में करना है। द फैमिली ट्रेन होमवर्क इज टू बी डन इन द बुक, यानी आपको अपनी बुक में करना है। एंड द कोलाज इज टू बी मेड इन द नोटबुक, यानी जो आपका कोलाज है वो आपकी नोटबुक में करना है आपको, और फैमिली ट्रेन वाला आपको अपनी बुक में करना है, उसको गंदा नहीं करना, लाइट लाइट कलर करना है उसमें। और कोलाज जो बनाना है आपको वो एक ट्री बना के आप अपने पेरेंट्स की फोटो लगा, यानी अपनी फैमिली की फोटो लगा सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल साइज की छोटी छोटी फोटो लगानी है आपको, और ये आपको अपनी ईवीएस नोटबुक में करना है। नाउ थैंक यू।